हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऊजीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं साबूदाने की खिचड़ी। उसके लिए हम ले लेंगे 2 कप साबूदाना। मैंने बड़ी साइज का साबूदाना लिया है। इसे हम अच्छी तरह से 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद उसमें हम 1 कप पानी डाल के उसको भिगाने के लिए रख देंगे कम से कम 4 से 5 घंटे तक। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो। हमें सिर्फ इतना पानी ऐड करना है साबूदाने में कि जो साबूदाने का लेवल रहेगा बस उधर तक पानी रहे। मैंने ओवरनाइट भिगाने के लिए रखे थे साबूदाने और अब आप देख सकते हो कितने सॉफ्ट हो गए हैं और साइज़ में भी डबल हो गए हैं। हमें साबूदाने की खिचड़ी में मूंगफली का पाउडर भी ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम मूंगफली को रेडी कर लेते हैं। आप एक पैन ले लीजिए और उसमें 1.5 से 2 कप मूंगफली रोस्ट कर लीजिए। हमें 1.5 कप मूंगफली का पाउडर लगेगा और बचा हुआ आप बाद में यूज़ कर सकते हो कभी भी। आप इसको आराम से 21 से 22 दिन तक स्टोर कर सकते हो। मैंने मूंगफली को लो फ्लेम पे 5 से 8 मिनट तक रोस्ट कर लिया है। उसके छिलके निकाल लिए हैं और उसे दरदरा पीस लिया है। अब हम एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी मूंगफली। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं ऐड करनी है मूंगफली तो आप स्किप भी कर सकते हो क्योंकि हम इसमें मूंगफली का पाउडर भी ऐड करेंगे। मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आपको कम स्पाइसी पसंद है तो आप हरी मिर्च कम भी कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप कड़ी पत्ता। आप थोड़ा कम भी कर सकते हो अगर आपको कड़ी पत्ता ज़्यादा नहीं पसंद है। कड़ी पत्ता ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 उबले हुए आलू जिन्हें मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप कच्चे आलू भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको उन्हें अच्छे से पकाना पड़ेगा। आलू ऐड करने के बाद हम उसे अच्छे से बाकी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक। हमें आलू को तब तक पकाना है जब तक आलू थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। जैसे ही आलू क्रिस्पी हो जाएंगे हम उसमें ऐड कर देंगे हमारा भिगोया हुआ साबूदाना। साबूदाना ऐड करने के बाद हमें साबूदाने को अच्छी तरह से बाकी चीज़ों के साथ मिक्स कर लेना है और हम अब साबूदाने में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। अब अपने टेस्ट के हिसाब से भी सॉल्ट ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पिसा हुआ मूंगफली का पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि और पाउडर ऐड करना चाहिए मूंगफली का तो आप ऐड कर सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। अच्छे से सब चीज़ें मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 नींबू का रस। ये ऑप्शनल है बट इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। नींबू का रस अच्छी तरह से सब तरफ डालने के बाद उसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम को लो पर कर दीजिए और साबूदाने को कम से कम 5 मिनट तक लो फ्लेम पर ही पकने दीजिए। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, इन्हें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक्स और सजेशन देना मत भूलिए। अब आप देख सकते हो 5 मिनट बाद हमने जब लिड उठाई है साबूदाना कितना अच्छा पक गया है। बिल्कुल चिपचिपा नहीं है, खिले खिले दाने हैं और सब अलग अलग है। अगर आपको साबूदाने में
शक्कर पसंद है तो आप यहाँ पे आधा टीस्पून शक्कर ऐड कर सकते हो। मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे नहीं पसंद। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। अब हम इसे सर्व कर देंगे गर्मा गर्म। आप इसे ऐसे भी खा सकते हो या फिर इसे मीठे दही के साथ या नॉर्मल दही के साथ सर्व कर सकते हो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।